नमस्कार, आदाब। जगत के अपराध न्यूज में आप तमाम सुनने वालों का स्वागत। एक तरफ कोरोना की मार, जनता बेहाल परेशान, लेकिन सियासी उठापटक रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी ही एक खबर के साथ मैं तरन्नुम नाज। वर्तमान में चल रही सियासी घमासान के चलते राजस्थान की जनता ही नहीं, राजस्थान का मंत्रिमंडल भी परेशान है। जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष कांग्रेस को किसी भी मुद्दे को लेकर परेशान करने की कोशिश में है। इसी सियासी हलचल के चलते कोटा में टीम शांति धारीवाल के चहेते के युवा नेता कांग्रेस के प्रिंस वर्मा ने अपने खून से राज्यपाल को पत्र लिखकर उसमें ये बताया कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की सरे आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान की गरिमा को देखते हुए मंत्रिमंडल को किसी भी दबाव में न रखकर निष्पक्ष रूप से विधानसभा सत्र की मांग को स्वीकार करना चाहिए। वर्मा ने बताया कि गहलोत सरकार ने कोरोना के चलते चिकित्सा के क्षेत्र में हर संभव और अच्छे प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार जिस तरह तानाशाही तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है, ऐसे में राजस्थान की जनता बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी, न ही इससे सहमत होगी। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय संविधान की गरिमा को देखते हुए जल्द ही सत्र बुलाने की मांग स्वीकार करेंगे। आइए कांग्रेस के युवा नेता प्रिंस वर्मा की जुबानी सुनते हैं सारा हाल। ये आपने जो ब्लड से जो आपने लेटर लिखा है राज्यपाल के लिए, क्या है, क्या है, कैसे, क्या है? देखिए, हमारे देश के अंदर बाबा साहब जो संविधान दे गए थे, उस संविधान की रक्षा करते हुए, उस संविधान की गरिमा रखते हुए, जिसको पूरा विश्व सलाम करता है बाबा साहब के संविधान को, उस गरिमापूर्ण संविधान की रक्षा करते हुए मैं राज्यपाल महोदय को मेरे रक्त से एक ज्ञापन देना दिया है कि आप संविधान की रक्षा करें और मंत्रिमंडल जो प्रस्ताव आपको दे सदन को बुलाने की मंजूरी दें, ताकि जो लोकतंत्र की जीत हो, जनतंत्र की जीत हो और इस देश की जीत हो, भारत के संविधान की जीत हो। ये ज्ञापन आपने किसके थ्रू दिया है, कैसे भेजोगे, क्या है इसका? इसको सब लोग, कोई कलेक्टर साहब के माध्यम से, कोई एडीसीटी के माध्यम से, सब लोग अपने माध्यम से भेजना चाह रहे हैं। मैं कोरोना महामारी के चलते इसको स्पीड पोस्ट के जरिए डायरेक्ट राज्यपाल महोदय के मुख्यालय पर भिजवाना चाह रहा हूँ। जिससे कि ब्लड से ही आपने क्यों भेजा है, क्या कहा है, क्या है? मेरी भावना यह है कि संविधान, बाबा साहब का जो संविधान है, वो एक एक जो कतरा उस संविधान के लिखा हुआ है, उस सब में हमारे एक एक रक्त की एक एक बूंद मिली हुई है।